इस संसार में लाखों तरह की जीवों की प्रजातियां पाई जाती है जो अपने भोजन और आवास के लिए एक दूसरे के पीछे भागती है, लेकिन इनमें से मकड़िया एक ऐसा जीव है जिसे अपने भोजन के लिए किसी भी जीवों के पीछे भागना नहीं पड़ता है। इसके जाल बुनने की तकनीक के कारण शिकार खुद ही इन तक पहुंच जाता है। लेकिन जब ये मकड़िया जाल बुनती है तब हम सोचते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जिससे कि वो ऐसा कर पाते हैं। देखिए, मकड़ी अपने शरीर के पिछले हिस्से से जाल बनाती है। दरअसल मकड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें एक सिल्क ग्लैंड होता है जिसे रेशम की ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां रेशम का उत्पादन करती है। इस सिल्क ग्लैंड का जो सिल्क होता है वो सिर्फ एक प्रोटीन होता है जो इन ग्रंथियों में लिक्विड के रूप में स्टोर रहता है। ये बिल्कुल एक चिपचिपा जेल की तरह होता है। और मकड़ी जब इन लिक्विड को जाल बुनने के लिए अपने शरीर से निकालती है तब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर बहुत ही कड़ा और मजबूत हो जाता है। और फिर मकड़ी बड़े ही खूबसूरती से इस जाल को बुन देती है जिसमें छोटे छोटे जीव आकर फंस जाते हैं और मकड़ी इनका शिकार आसानी से कर लेती है।